उड़न खटोले में बैठ गए हैं और अब जा रहे हैं नीचे की तरफ। यहाँ से व्यू जो आते हैं वह एकदम जबरदस्त व्यू आते हैं माँ का मंदिर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मैं हूँ संजीव और आप देख रहे हैं देश दुनिया देख। और अभी मैं हूँ हरिद्वार में और सामने आप देख सकते हैं ये हर की पैड़ी का घाट है और ठीक पीछे है मनसा देवी मंदिर। तो चलिए माँ मनसा के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। हर की पैड़ी घाट से जैसे ही आप अंदर आएंगे आपको लेफ्ट की तरफ जाना है। जब आप हर की पैड़ी से आते हैं तो सबसे पहले आपको चढ़ाई का रास्ता जो मिलेगा वो पैदल वाला मिलेगा जो कि नज़दीक है। हर की पैड़ी से आप 150 मीटर 200 मीटर दूर पर जब आएंगे तो यह आपको चढ़ाई वाला रास्ता मिल जाएगा और आप जब उसके आगे जाएंगे तब आपको हिंडोले वाला रास्ता मिलेगा। हम आ रहे हैं हर की पैड़ी की तरफ से, ऊपर की तरफ से, और जैसे ही आप आएंगे एक परख रुद्राक्ष केंद्र है, सिटी व्यू होटल है ठीक उसके पास। यहाँ पे आपको मनसा देवी पैदल मार्ग, यह है पैदल रास्ता जहाँ से आप माता के दर्शन के लिए जा सकते हैं। केवल चढ़ाई में आपको 45 मिनट से एक घंटे लगने वाले हैं क्योंकि मुझे आज एक ही दिन में बहुत सारा चीज़ें कवर करनी है। तो मैं चलता हूँ आगे हिंडोले वाले रास्ते से। यह जो सामने मोबाइल टावर आप देख रहे हैं बस इसी के पास में वो जगह है जहाँ से आप हिंडोले में जा सकते हैं। आप जैसे ही चढ़ाई वाले रास्ते से 100 मीटर आगे आएंगे आपको यह गेट दिख जाएगा और जैसा कि मैंने कहा आपको यह टावर दिखेगा, मोबाइल टावर। अब मोबाइल टावर के जस्ट बगल में यह माँ मनसा देवी एंट्री गेट है और यहाँ से आप जा सकते हैं हिंडोले पे। यह लाइन टिकट के लिए है, यहाँ पे टिकट काउंटर है और यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। सिंगल पर्सन का टिकट है 129 रुपये। बाकी टिकट के क्या चार्जेस हैं आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। देख लीजिए कुछ इस तरह की बार कोडिंग वाली टिकट मिलेगी 129 रुपये में अप डाउन दोनों। आप यहीं से बाकी मंदिरों के भी अगर आप दर्शन करना चाहते हैं, जैसे कि मनसा देवी है ये, फिर आप चंडी देवी मंदिर जाना चाहते हैं वहाँ भी, या हिंडोला या उड़न खटोला आप बोल सकते हैं है, रोपवे सर्विस है, तो वहाँ पे यहीं से आपको टिकट मिल जाएगा। अंदर आने के बाद आपका टिकट तो चेक होता ही है, इसके अलावा आपकी फ़ोटो ली जाएगी। देखिए उसी तरीके से ये हिंडोले आते और जाते हैं। उस साइड में लोग डिबोर्ड हो रहे हैं, इस साइड से बोर्ड हो रहे हैं। इस हिंडोले में सेफ्टी का बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम है, मतलब डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारा भी हिंडोला आ गया, 7 नंबर बैठ गए। जय माता दी। ओ वाह भाई, सचमुच हिंडोला है, आपको फुल झूले का मजा आएगा यहाँ पे। जबरदस्त जबरदस्त, वाह बढ़िया है जी, बहुत सुंदर। देखिए पैदल वाले रास्ते को ऐसे ही राउंड राउंड चक्कर काट के आपको आना होता है अगर आप पैदल के रास्ते आते या जाते हैं तो। बाकी बहुत सुंदर नज़ारा है भाई, एक बार आपको ज़रूर इसको ट्राई करना चाहिए अगर आप यहाँ पे आते हैं तो। और बाकी देख लीजिए हरिद्वार का नज़ारा पीछे का, बहुत ही सुंदर। जैसे जैसे ऊपर की तरफ आते हैं आपको घाटी का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है, पीछे पहाड़ और ये माँ गंगा, सामने हर की पौड़ी घाट। और भाई देखिए देखते देखते हम पहुंच गए और आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे चढ़ाई में इस रोपवे में। चलिए फाइनली हम पहुंचने वाले हैं, देखिए और आप देख सकते हैं ये सामने मंदिर एकदम नज़दीक हम आ गए हैं मंदिर के। और देखिए फाइनली हम पहुंच गए भाई। चलिए हमारी यात्रा होती है यहीं पे समाप्त।
शॉर्ट जर्नी है, 5 मिनट से भी कम की जर्नी है, लेकिन मज़ा बहुत आया। ये थोड़ी ऊपर उतारते हैं और सामने देखिए नीचे यह मंदिर, जा रहे हैं माता के दर्शन करने हम। और रोपवे के क्लोजिंग का टाइम बता दें तो शाम को 6:30 बजे यह बंद हो जाता है रोपवे। चलिए हम मंदिर के कंपाउंड में एंट्री कर रहे हैं। देखिए सामने यह दुकानें हैं। और मंदिर के गेट में घुसने से पहले ही आपको माँ वैष्णो देवी के दर्शन होंगे। इस तरह की लाइन यहाँ पे लगेगी और भाई काफ़ी लंबी लाइन है, देख सकते हैं आगे तक। मुख्य मंदिर आगे है, हमें आगे जाना है। बाकी आप देख सकते हैं ऊपर से नज़ारा, देख लीजिए। माँ के दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हो गए, फिर से हम हिंडोले में चलेंगे। बाकी उससे पहले मैं आपको आसपास का व्यू थोड़ा सा दिखा देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है भाई, सीढ़ी जाने का मार्ग ये रहा। यह है माता का मेन मंदिर, एक पॉइंट है, चलते हैं इधर। क्या दिखता है, कैसा दिखता है, चलिए कोशिश करेंगे हम देखने की, जानने की। थोड़ा सा संभल कर आए क्योंकि फिसलन है यहाँ पे। और भाई सचमुच यार यहाँ पे आके तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हाँ एक बार मैं कैमरा पैन करता हूँ भाई, घाटी का नज़ारा देख लो। माँ का मंदिर, वापसी में जब आप मंदिर की सीढ़ियों से उतरेंगे तो यह एक पॉइंट है, मिट्टी का ही बना हुआ है, तो जब भी कभी भी आए संभल के आए, थोड़ी सी फिसलने का डर है यहाँ पे। लेकिन भाई यहाँ से व्यू जो आते हैं वह एकदम ज़बरदस्त व्यू आते हैं। आपको पूरा हरिद्वार यहाँ से शहर दिखेगा, हर की पौड़ी दिखेगी, हरिद्वार का हर एक इलाका जहाँ लोग घूमते हैं, घूमने आते हैं, वो सारे इलाके यहाँ से स्पष्ट इस ऊँचाई से दिखता है। तो यहाँ आकर यह एक्सपीरियंस ज़रूर करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और मैं आपको आने का रास्ता बता देता हूँ। यह मंदिर है, मंदिर से आप सामने देख सकते हैं, सामने सीढ़ियाँ हैं, यह सीढ़ियाँ, और सीढ़ियाँ से जैसे ही आप आओगे यह आपको पॉइंट आपको दिख जाएगा। यहाँ आके यह एंजॉय ज़रूर करें। बाकी मैं आपको एक बार शहर का नज़ारा दिखाता हूँ। सामने आप देख सकते हैं वह हरिद्वार के सारे ब्रिजेज वगैरह यहाँ से आपको स्पष्ट दिख जाएंगे, शहर घाटी दिख जाएगी, शहर दिख जाएगा आपको। जैसे ही आप इधर आगे आते हैं, देखिए यह रास्ता जो है, सामने आप एक केबल ब्रिज देख पा रहे होंगे, आप सामने ऋषिकेश की तरफ निकल जाएंगे। और आगे जो यह इलाका दिख रहा है, इस तरफ जाने से आपको भारत माता मंदिर और बाकी सप्तऋषि रोड मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारे आश्रम हैं, जहाँ पे भारत माता मंदिर की तरह ही और सारे कई मंदिर बने हुए हैं। तो आप ज़रूर जाएँ, मैं आपको एक बार ऊपर से दिखा देता हूँ कैसे आप जाओगे। यह केबल वाला ब्रिज पार करके टुवार्ड्स आप ऋषिकेश की तरफ जब जाओगे, तब आपको यह सामने जाकर, और कुछ हिस्सा मेरे ख्याल से वीडियो में उतना स्पष्ट तो शायद ना आए, लेकिन वह भारत माता मंदिर सामने दिख रहा है यहाँ से। यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर यहीं पे सारा समय बिता दूँ तो बाकी चीज़ें आपको नहीं दिखा पाऊँगा। इस मंदिर से लेते हैं विदा और अब चलें वापस अपने हिंडोले पे, उड़न खटोले पे, या कहें तो रोपवे पे। खड़ी चढ़ाई है और रास्ता प्रॉपर नहीं है, तो आप सावधानी से यहाँ पे आए और उतरें। चलिए हम वापस आ गए हैं उड़न खटोले के पास। यहाँ पे आप यह एक छोटी सी चिमनी देख रहे हैं। अब चक्कर है कि पहाड़ों में पहाड़ गंदे ना हो और मंदिर गंदा ना हो, इसके लिए जो भी यहाँ का कचरा होता है वहाँ पे उसमें जला दिया जाता है। हम फिर से अब उड़न खटोले में बैठ गए हैं और अब जा रहे हैं नीचे की तरफ। और भाई शहर का नज़ारा देखिए, घाटी का नज़ारा देखिए, बहुत ही खूबसूरत। ऊपर से शहर का नज़ारा तो बहुत ज़बरदस्त दिखता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
आप सामने जो यह देख रहे हैं, यह शहर है हरिद्वार शहर। जो पानी की धारा देख रहे हैं वो है माँ गंगा। चलिए हम पहुँचने वाले हैं। पाँच मिनट भी नहीं लगते हैं चढ़ने और उतरने में इस कटोले से। और अब देखिए यह काफ़ी भाई यहाँ पे भीड़ हो गया है टिकट काउंटर पे। चलिए यह जो देख रहे हैं ऊपर से, यह रेलवे लाइन है यहाँ की। यह उड़न कटोले की जर्नी आपको कैसे लगी और माँ मनसा देवी का मंदिर दर्शन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, ताकि यह जानकारी उनके भी काम आ सके जब वो हरिद्वार आए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी भी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए यहां से निकलते हैं, चलते हैं हड़की पौड़ी यहां से, और बाकी वहां से आगे अब निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।